So basically इस चैलेंज में आई एम गोइंग टू ड्रेस अप लाइक फूड आइटम्स और मुझे पता नहीं वो फूड आइटम्स है क्या. सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग, शॉकिंग, सरप्राइजिंग एंड अ लॉट मोर अदर इमोशंस. मेरे पास एक टाइमर होगा 15 मिनट का एंड आई हैव टू पुट टुगेदर एन आउटफिट लुकिंग लाइक दैट फूड आइटम. एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. ओह नो वेट, बाय द वे आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल. माय नेम इज आयशा जैन. सब्सक्राइब नहीं किया है तब टाइम है कर लेना. And now let's get started. So I have the bowl with me. इसमें 8 chips हैं, पर मैं सिर्फ 4 pick करूँगी. And I have to look nice, okay? मुझे internet पे ऐसे joker बनके नहीं रहना. वैसे मैं पहले बन चुकी हूँ तो it's fine. मेरे पास आया है, आई हैव टू बी अ ग्लास ऑफ मिल्क. टाइमर स्टार्ट होता है इन 3, 2, 1 एंड गो. व्हाइट पैंट्स, स्वेटर. आई जस्ट चेंज इन कलर. आई हैव चेंज बट ओनली प्रॉब्लम इज दैट दिस वाइट इज नॉट द सेम, व्हिच इज सैडनिंग. बट शुड आई चेंज? I should create it. I think another white top. Yeah, perfect. I just change it up again. This is better. I mean, ये पूरा exact white top तक लग रहा है. I just turn my hair और मैं इस तरफ देखूंगी because मेरे में तो रखा हुआ है मैंने. And talking about your look at me, I'm just stupidly looking, but here I am in it. And now the most interesting part, मुझे glass बनना है. So this is interesting, काफी. Also 5 मिनट बचे हैं and मुझे सिर्फ glass बनना है. I'm just hoping कि मैं सिर्फ फिट आ जाऊँ. Wait, थोड़ा पीछे जाना चाहिए मुझे. Oh shit, मैं ऐसे नहीं आऊँगी. Still have 5 minutes. I have got another bag. दूध overflow कर रहा है glass से. Again, let's try to fit it now. Glass of milk for you all now. This video was supposed to be a fashion related video where I get to experiment with my style, but clearly that's not happening. Pata nahi kya hi ho raha hai. Milk, or by the way, there is one major thing which you have to decide. Ki main jo charo outfits pehen lungi, recreate kar dungi. You have to decide ki kya maine wo challenge अच्छे से किया, सक्सेसफुली किया. क्या मैं इस चैलेंज की विनर हूँ या नहीं, यू गाइस हैव टू डिसाइड दैट. तो कमेंट करके जरूर बता देना. तो मेरे पास ये बोल आ गया है वापस. और पहले मुझे ना बस डर लग रहा था, अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है ये देख के कि इसके अंदर क्या क्या है. आई हैव टू बी लाइक अ ड्रैगन फ्रूट. आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट. या क्या, काफी इंटरेस्टिंग चीज है. टाइमर स्टार्ट होता है 3, 2, 1 एंड गो. ठीक है, पहले काले पैलेट सूट से ड्रैगन फ्रूट में पिंक होता है पोलका डॉट टॉप और ऊपर ग्रीन भी होता है. आई गॉट द पोलका डॉट टॉप. ठीक है, इजीली तो मुझे इजीली सब चीजें मिल गई. ठीक है, अंदर में तो आउटफिट बालों के लिए कम से कम ऐसे होते हैं.
और बाय द वे 5 मिनट अभी भी है मेरे पास, सो आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ. आई जस्ट वांट टू लाइक वू वू उसके ऊपर ही मैंने पिंक पहना और पिंक के नीचे ये उल्टा ड्रैगन फ्रूट है. पहले मुझे डर लगा था पर अब मुझे मजा आ गया. और ये बोलते ही मेरे पास आया है, मुझे बनना है एक burger. I'm excited. Let's see. और मैं तो expect कर रही हूँ कि at least I think मैं थोड़ा सा fashionable लगूंगी. अब let's just see what happens. And timer starts in 5, 4, 3, 2, 1 and go. I've got the buns. उसके बाद होता इसमें red, green और yellow. ठीक है. Beige-ish, brownish color मैंने निकाला. Green है और red है. येलो के बारे में आई हैव टू थिंक एंड दिस टाइम आई एम गोना ट्राई. एंड येलो के बारे में आई एम नॉट रियली श्योर कि मैं कैसे क्या करूँगी बिकॉज मुझे इस लेयरिंग का ही पता नहीं कैसे होगा. एंड लेट जस्ट ट्राई एंड लेयर थिंग्स अप. आई रियली डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दिस आउटफिट राइट नाउ. इट्स जस्ट सो वियर्ड. द कलर्स आर सुपर वियर्ड. कैमरे पे ऑल बहुत बुरा लग रहा है. रियलाइज नहीं लग रहा एक्चुअली. नॉट दैट बैड. येलो आई हैव टू फाइंड. आई हैव 10 मिनट्स लेफ्ट. शुड आई वेयर अनदर टी शर्ट. आई कैन टू मच लगेगा क्या. आई थिंक टू मच लगेगा सो नो. आई हैव दिस येलो बैंड एंड आई एम गोना वेयर दिस. सो मैंने इसे पहन लिया बट आई एम नॉट रियली लाइक लाइकिंग इट. मतलब मेरा स्टाइल भी नहीं है अबाउट. मे बी दैट्स द रीजन आई एम नॉट रियली लाइकिंग इट. I need to do something with this red. Okay, so I made it like into a tube top and mujhe honestly zyada better laga hai usse. I don't know. I mean, it's still not my style but it's better. Now, we have these seeds now. I'm also gonna make freckles. Also, I just have 2 minutes left. So I'm gonna hurry it up. So I was trying to make freckles and idhar ka is I think still visible if you really zoom in. And idhar ka thoda fade out hai. And I tried. Okay, I tried. This was the most difficult one to recreate so far, and I kind of like it also. Or thoda sa uncomfortable bhi lag raha hai because ye mera style nahi hai. But I also like it because ye mera style nahi hai. Liberal personality always confused. Welcome to my world. Let's move on to the last and final food item. पता है अजीब लग रही हूँ मैं. Extra लग गई हूँ थोड़ी और weird लग गई. तो I want to do cute now. या फिर ऐसे कुछ सुंदर सा pretty सा चले. Let's see. It's momos. और उसकी चटनी बनना है मुझे. And this is cute. I can make it work. Orange color की चटनी और white momos. ठीक है. Let's do this. I'm ready for this. Timer start होता है. 1, 2, 3. Go. Go. White. I have white sweaters. I'm gonna wear that. So I'm gonna wear that. Yeah. I got my outfit so easy this time. So let's go. So I'm wearing orange shorts or white sweater. Hai. For hairstyle, I thought that I'm gonna French braid because on the momos ke upar bhi quick design hota hai na. So I'm gonna do that now. And I have 10 minutes. So I need to rush because मुझे ढंग का लिखना है. I want to look cute today. पता नाउ आई वांट टू नो कि बाकी चिट्स पे लिखा क्या था. सो मे बी आई शुड ओपन इट और मे बी आई शुड वेट
you guys give this series a good response. So maybe I'll release a part 2 of it where I will try the rest of the food items. This is my final outfit. Yeah, actually this outfit is very cute, simple, and ye actually main bahut fancy ja sakti hu, to be honest. And with this we come to an end to this video. I hope you guys enjoyed watching this video kyunki mujhe ye video karke bada maza aaya. And agar aapko acha laga hai to you know the drill, like kar dena, share kar dena, subscribe to my channel, hit the bell notification icon to get notified whenever I upload a new video, and follow me on Instagram and add me on Snapchat, and I'll see you in my next video. Bye.